हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी वन प्लस नॉट टू सी फोन के बारे में, जो कि फ्रेंड्स इस फोन को मुझे लिए हुए कुछ करीब 3-4 महीने हो गए। और फ्रेंड्स ये एक प्रीमियम फील देने वाला फोन है, और यहाँ पर आपको एक कोई भी आप नहीं बोल सकते कि आप ये कोई खराब फोन है। और यहाँ पर आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाएगा, और आगे आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि 90 हर्ट्ज है। वन प्लस इसको बोलता है कि ये फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि ब्रांड अपना भौकाल बांधने के लिए वो लोग कुछ नाम धर देता है। और यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से एक यहाँ पर फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। फ्यूचरिस्टिक फील देता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। और फ्रेंड्स ये वन प्लस का सब बजट में ऐसा फोन है जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ आता है। और ऊपर की बात करें तो आपको माइक देखने को मिल जाता है, जो कि नॉइज कैंसिलेशन के लिए सपोर्ट में आता है। और यहाँ पर आपको ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट सभी फोन से गायब हो चुका है। महंगा फोन हो, सस्ता में मिल रहा है, महंगा में तो गायब ही हो गया है। और इस समय वो लोग को चार्जरों हटा रहा है सब, तो सब क्या किया जा सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि 65 वाट भूक को सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स ये फोन भूक टेक्नोलॉजी के साथ आता है, इसका मतलब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपको 6000 mAh का बैटरी देखने को यहाँ पर आपको 4500 mAh का देखने को मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर 6000 mAh का बैटरी है, तो आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो 3000 और 3000 दो बैटरी होगा, जो कि कुल मिलाकर 6000 होगा। और भूक टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि दोनों बैटरी एक सेम टाइम पे चार्ज होता है, इसीलिए फोन तेजी से चार्ज होता है और हीट थोड़ा कम होता है। भूक टेक्नोलॉजी ये जो कि ओप्पो की तरफ से आता है, वन प्लस का है तो फ्रेंड्स ओप्पो का ही है। ओप्पो ये इसका बॉक्स पे देखिएगा तो लिखा हुआ होता है कि मैन्युफैक्चरिंग इन ओप्पो के फैक्ट्री में सब बनता है। रियलमी हो, वन प्लस हो, वीवो हो, जितना है सब डीजो सब वही में का है। आईकू भी अभी नया लॉन्च हुआ है, उसी का है, लेकिन नाम बना के कह देगा कि उसका है उसका, वो अपन अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है फ्रेंड्स, ये कुल बेचने का तरीका है। और यहाँ पर देखिए आपको एक इधर बात करें तो यहाँ पर आपको एक सिम ट्रे देखने को मिल जाता है, जो कि आपको डबल सिम के साथ डबल सिम और एक एसडी कार्ड सपोर्ट कर सकता है, जो कि आपको फ्रेंड्स महंगे महंगे फोन में तो एसडी कार्ड का स्लॉट गायब ही कर दिया है। और ये वॉल्यूम बटन दिया हुआ है, जो कि एक अच्छा रिस्पॉन्स देता है, मतलब टकटाइल है, बहुत ही अच्छा आवाज आता है, ऐसे ऐसे करने पर टक टक का आवाज आता है, और जो कि अच्छी बात होती है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको एक देखने को मिल जाता है पावर बटन, जो कि होवे करेगा ऑब्वियसली बात है। और यहाँ पर आपको एक 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, और एक यहाँ पर माइक्रो देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स इसमें फालतू का डेप्थ का 2 मेगापिक्सल नहीं दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक फ्लैश देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा ब्राइट। तो फ्रेंड्स ये जो फोन है, जो कि आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिल जाता है, थोड़ा मोड़ा गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मत समझ लीजिएगा कि हथौड़ा ऐसे चला चला के मारिएगा तो टूट जाएगा फोन है फ्रेंड्स। और यहाँ पर 409 पीपीआई का पीक ब्राइटनेस दिया हुआ है, जो कि एक ठीक ठाक है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। और फ्रेंड्स यहाँ पर कुल 7 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 6GB और 1 यहाँ पर 3-4 वेरिएंट में ये देखने को मिल जाता है, जैसे 6+128 और 8+128 और 8+256 में भी शायद आता है, उतना पता नहीं है हमको। और यहाँ पर आपको डायमेंसिटी 900 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आप गेम खेल रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ठाक BGMI गेमिंग करा देगा। और यहाँ पर आपको जो कैमरा है वो आपको बेटर देखने को मिल जाता है, और इसका आगे वाला कैमरा फ्रेंड 16 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा है, जो कि अच्छा सेल्फी कैमरा आपको दे देगा। तो फ्रेंड्स ये लॉन्च आज से करीब 1 साल पहले हुआ था, और यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप वन प्लस का फोन लेते हो तो कोई दिक्कत, ये फोन ले रहे हो अगर आपका बजट कम है तो फ्रेंड्स आप जरूर देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आप अच्छे से यहाँ पर नेटफ्लिक्स चला सकते हो। और HDR 10 प्लस का मतलब सर्टिफिकेशन, मतलब आप यहाँ पर वीडियो क्वालिटी अच्छा से देख सकते हो। और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन OS देखने को मिल जाता है, जो कि आपको सभी वन प्लस के फोन में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर वन प्लस का बजट रेंज का फोन है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लट स्लाइडर देखने को नहीं मिलेगा। महंगे फोन में जैसे वन प्लस नॉट टू में था, और यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। वन प्लस नॉट टू टी में भी था, नॉट टू जो कि जिसमें अगवा लग रहा था। फ्रेंड्स ये फोन लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन
ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ आता है, और वाईफाई का बात करें तो वो भी लेटेस्ट वर्जन वाला ही है। यहाँ पर आप 5G में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। ये फ्यूचर प्रूफ फोन है और मुझे उतना अच्छे से पता नहीं है, मैं आपको देख कर बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से 5G बैंड है। यहाँ पर 5G बैंड फ्रेंड्स N1, N3, N5, N7, N20, N28, N30, N40, N41, N66, N77, यानी कि सारे 5G बैंड दिए हुए हैं जो कि आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है जो कि एक अच्छी बात है, और इस रेंज में आप इससे ज्यादा नहीं आपको मिल सकता है। और यहाँ पर आप 4K में 30fps वीडियो शूट कर सकते हो, और 108p में यानी 1080 पिक्सल में आप 60fps, 30fps, 120fps भी शूट कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको OTG 2.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि अच्छी बात है, और यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया शायद नहीं याद है 65 पॉइंट का सुपर बुक देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पे आता है, यानी कि 2 साल के आपको यहाँ पर एंड्रॉइड अपडेट 12 और 13 को देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद आपको सिक्योरिटी 4 साल का देखने को मिल जाता है सिक्योरिटी अपडेट, जो कि आपको हर फोन में देखने को मिल जाता है। अभी जो आप नया लीजिएगा पुराना फोन में नहीं मिलेगा, नया में मिल जाएगा। फ्रेंड्स यही था हमारा कुछ फोन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।